शराब की चुस्की, चखने में कबाब हो और सामने शबाब हो, तो फिर अंदाजा आप खुद लगाइए कि वो नजारा क्या होगा। ये स्वर्ग से उतरी कोई अप्सराए नहीं बल्कि बाल डांसर है। अब आप कहेंगे कि डांस बार तो बंद है, लेकिन हमारा मानना है कि बाबूजी जरा ठहरो, ये मुंबई है, यहाँ हर चीज संभव है। इस माया नगरी की चकाचौंध में हर वो शख्स खो जाना चाहता है जिसके पास पैसा है, और इसी पैसे के खेल में मुंबई के बार पूरी तरह से गुलजार होने लगे हैं। मुंबई के डांस बारों की सच्चाई इन 24 न्यूज आपको परत दर परत दिखाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि दर्पण झूठ नहीं बोलता। डीजे की धुन पर थिरकती बार बालाएं, बारबालाओं की थिरकन पर नोटों की बरसात, इसकी जानकारी जब हमें मिली तो पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इस जानकारी की सच्चाई को खंगालना शुरू किया तो पड़ताल में जो कुछ भी सामने दिखा वो यकीनन हैरान कर देने वाला था। हमारी पड़ताल शुरू हुई सबसे पहले गोरेगांव लिंकिंग रोड पर स्थित जीना बार से। जी हाँ, जीना बार। इस बार में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से अधिक बार बालाएं फ्लोर पर नाच रही थी और शराब के नशे में मदहोश ग्राहक उन पर रुपए बरसा रहे थे। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई नियमावली तैयार की, जिसमें 26 ऐसे कंडीशन है जिसे फुलफिल करना हर डांस बार संचालकों के लिए बंधन कारक है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि ज्यादातर डांस बार सरेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन भी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। बहरहाल ये तो अभी आगाज है, इसका अंजाम अभी बाकी है। स्क्रीन पर नाचती थिरकती जिन बारबालाओं का दृश्य आप देख रहे हैं वो इसी जीना बार की है। आपको बता दें गोरेगांव के लिंकिंग रोड पर स्थित है ये जीना बार, और इसमें लगातार जो रात के समय बाहरी नज़ारा देखने को मिलता है, बाउंसरों की बड़ी भीड़ लगी रहती है, पुलिस की गाड़ियों का आना जाना जारी रहता है। आपको बता दें कि 26 कंडीशन शुड बी 26 कंडीशन शुड बी फुलफिल बाय एवरी डांस बार टू गेट लाइसेंस, ये सच्चाई है। भविष्य में शहर के डांस बारों का फिर से खुलना लगभग असंभव सा लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अब तक 79 ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया है जो फ्रेश लाइसेंस से संबंधित थे। कोर्ट में डांस बार एसोसिएशन की पैरवी करने वाले वकील एडवोकेट सत्यजीत शाह ने इससे पहले ही ये साफ कर दिया था कि जनवरी 2018 तक तो डांस बारों का शुरू होना मुश्किल सा है। आपको ये भी बता दें कि जिन 79 डांस बारों द्वारा नए लाइसेंस हासिल करने के लिए मुंबई पुलिस में आवेदन किए गए थे और मुंबई पुलिस ने उन्हें खारिज किया, उनमें पुलिस द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई वो नेगेटिव थी।
आपको ये भी बता दें कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपने आदेश में डांस बारों को जो राहत दी थी उसके बाद मुंबई पुलिस मुख्यालय द्वारा तमाम पुलिस स्टेशनों के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टरों को यह दिशा निर्देश दिया गया था कि वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में जाएं और उन तमाम डांस बारों का परीक्षण व निरीक्षण करें, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो नए नियमावली डांस बारों के लिए लागू की है क्या उसका अनुपालन हो पा रहा है। आपको ये भी बता दें कि डांस बारों में महिलाओं पर जो पैसे की बारिश हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी एतराज जताया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो नए गाइडलाइन जारी किए हैं उन गाइडलाइनों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन है कि मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहा है। हम अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि मुंबई में 94 से 95 पुलिस स्टेशन हैं और वो पुलिस स्टेशन में चार चार ऐसे विभाग है जिसमें एक अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 27 पुलिस स्टेशन होते हैं। यदि पुलिस स्टेशन किसी मसले को सुलझाने में नाकाम साबित होता है, यदि किसी मामले की जांच करने में लापरवाही बरतता है तो ऐसे में जिम्मेदारी रीजन की होती है और रीजन में बैठते हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर साहब। तो हम अपने तमाम दर्शकों को यह भी बता दें कलाकारों द्वारा परफॉर्म करने के लिए जो 3 फुट का स्टेज बनाया जाना है उसके चारों तरफ बैरिकेड लगा है या नहीं, बार परिषद के एंट्री पॉइंट पर क्या सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं या नहीं, क्या सभी डांस बार संचालकों के पास सेफ्टी सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि डांस बारों को गलत तरीके से संरक्षण देने वाले 3 पुलिस अधिकारियों और 2 सहायक पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये है अभी आगाज। वैसे मामले में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जाता है कि मुंबई में डांस बार बंद हो चुके हैं तो इस पर एक संदेहास्पद स्थिति पैदा हो चुकी है और इस पर In24 न्यूज़ ने ये बीड़ा उठाया है कि सच्चाई हम सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुँचा के रहेंगे। चूँकि एक दक्ष नागरिक की जो भूमिका होती है उसके रूप में काम करने का हमारा भी प्रयास है। बहरहाल ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। देखने वाली बात यह होगी कि In24 न्यूज पर यह खबर चलने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री तमाम अपने मातहत पुलिस अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देते हैं और ऐसे नियम व कानून की धज्जियां उड़ाने वाले डांस बारों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, In24 न्यूज, मुंबई।